हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ सी राज चावला। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के उस सब्जेक्ट की जिसकी आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और जिसकी वजह से आज हमारा आम इंसान, आम जो इनकम टैक्स का असेसी है, उसको परेशानी होती है। वो है कि हमारे इनकम टैक्स के अंदर, कैश के अंदर क्या क्या हम ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, कितनी अमाउंट में कर सकते हैं। आज ये बहुत सावधानी देने की ज़रूरत है। कारण है कि अदरवाइज आपका केस स्क्रूटनी में आने के पूरे पूरे चांस रहेंगे, क्योंकि आज की डेट में इनकम टैक्स असेसमेंट हमारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं, क्योंकि डाटाबेस के बेसिस पे ही हमारे केस को स्क्रूटनी में सेलेक्ट करता है। और आपको पता होगा, अभी पिछले दिनों में स्क्रूटनी भी ई असेसमेंट हो गई है, तो आपको और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अब आप असेसिंग ऑफिसर के पास जाके अपनी परेशानी बता भी नहीं सकते कि आपने ये ट्रांजेक्शन क्यों की। अब आपको हर चीज का रिप्लाई भी ई असेसमेंट के रूप में करना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं वन बाय वन, क्या क्या चीजें हैं जो आपको सावधानी रखने की जरूरत है ताकि आप इनकम टैक्स में ना फंस जाएं। तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, कुछ प्रोविजंस बताऊंगा जो आपको सावधानी बरतनी है, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कि डिसअलाउंसेस। इनकम टैक्स के अंदर आप कोई भी खर्चा करते हैं, कैपिटल एसेट्स खरीदते हैं, अगर उसकी वैल्यू 10,000 रुपए से ज्यादा की है और अगर आपने उसको कैश में पेमेंट किया है, तो आपको उसका डिसअलाउंस हो जाएगा बिजनेस एक्सपेंडिचर के लिए। अलावा इसमें आपको डेप्रिशिएशन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, और इसके साथ साथ आप अगर जब उसको बेचेंगे तो बेचने पे जो एक कैपिटल गेन की जब हम कैलकुलेशन करते हैं, उसका बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो सावधानी क्या बरतनी है, आप कोई भी एसेट्स खरीदते हैं और उसकी वैल्यू यदि 10,000 से अधिक है, तो आपने कैश में पेमेंट नहीं करना है। कैश की पेमेंट आप मैक्सिमम 10,000 तक ही कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपको डिसअलाउंस हो जाएगा। चलिए दूसरा है, कोई भी अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं जो स्पेसिफाइड बिजनेस डिक्लेयर्ड है इनकम टैक्स एक्ट के तहत, उसमें भी आप कोई पेमेंट 10,000 रुपए से ज्यादा कैश में नहीं कर सकते, अदरवाइज वो भी डिसअलाउ हो जाएगी। इसके अलावा हम सब लोग जानते हैं कि जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आए दिन छोटे छोटे हमारे डे टू डे के एक्सपेंडिचर होते हैं, और डे टू डे एक्सपेंडिचर करने के लिए आपको याद होगा बरसों से एक चलता आता था 20,000 रुपीज। लेकिन अब सावधान होना है आपको, क्योंकि 2017 से कानून में परिवर्तन कर दिया गया है और अब आप सिर्फ 10,000 रुपए तक ही कैश में खर्चा कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है कि अगर आप किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी की कोई पेमेंट करनी है, उसको आप 35,000 रुपीज तक कर सकते हैं, अदरवाइज बिजनेस का कोई भी खर्चा है, आप 10,000 रुपए से अधिक कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। इसके अलावा हम सब लोगों से जुड़ा हुआ है चैप्टर 6A की डिडक्शंस, जो हमारी सेक्शन 80 के तहत होती है। सबसे पहली है 80D, मेडिक्लेम। मेडिक्लेम में कोई भी खर्चा आप कैश में नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस के अलावा कुछ रिलैक्सेशन दिया है। रिलैक्सेशन क्या है कि अगर आप अपना कोई मेडिकल चेकअप कराते हैं, तब आप 5,000 रुपए तक कैश में पेमेंट कर सकते हैं। नंबर दो, 80G, सब जानते हैं 80G, डोनेशन टू द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। पहले हम सबको मालूम था कि हम 10,000 रुपए तक कैश में डोनेशन दे सकते थे, लेकिन 2017 के फाइनेंस एक्ट ने इस 10,000 रुपीज को 2,000 रुपए कर दिया है, तो इसलिए आपको यह सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। इसके अलावा सेक्शन 80GGA, डिडक्शन फॉर डोनेशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें भी आप मैक्सिमम 10,000 रुपए तक, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, तो मैक्सिमम 10,000 रुपीज तक कैश में आप डोनेशन दे सकते हैं। 80GGB, कंट्रीब्यूशन बाई कंपनीज टू पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई कंपनी डोनेशन देती है, तो ये आप कैश में नहीं दे सकते। अगला सेक्शन है 80GGC, डिडक्शन फॉर डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज अदर देन कंपनीज। पहले मैंने बात की है कंपनी की, अब मैं बात कर रहा हूं अदर देन कंपनी की। अदर देन कंपनी भी कैश में पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन नहीं दे सकती है। आइए अब हम एक बात करते हैं कैश क्रेडिट की। एक हमारे यहां सेक्शन 68 होती है, उसके अंदर कहते हैं कैश क्रेडिट।
कि अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, यानी कि अगर आपकी कोई बैलेंस शीट है, बुक्स ऑफ अकाउंट है, उसके अंदर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, अपने असेसिंग ऑफिसर को नहीं बता पा रहे हैं, आपके बैंक में कोई, बैंक अकाउंट में आपके कोई क्रेडिट स्टैंड कर रहा है और आप अपने असेसिंग ऑफिसर को नहीं बता पा रहे हैं, अनएक्सप्लेन्ड है, तो सावधान दोस्तों, इसमें आपको बहुत हैवी टैक्स की इन्होंने प्रोविजन लगा दिया है। क्या प्रोविजन है कि 60% का टैक्स है, उसके ऊपर 25% का जो है सरचार्ज है और 10% की पेनल्टी है और प्लस एजुकेशनल सेस, कुल मिला के 84% आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो सावधान, आपने क्या करना है कि आपने अपने बैंक अकाउंट में कोई भी कैश ऐसा जमा नहीं करना जिसको आप एक्सप्लेन ना कर पाए, और ना ही ऐसा कोई चेक जमा करना है जिसका आपके पास कोई स्टेटमेंट ना हो। तो कोई भी बैंक की ट्रांजेक्शन करें, कोई भी आपके बैंक में पैसा आता है तो आपको उसका हिसाब रखना पड़ेगा, चाहे वो कैश का है चाहे वो चेक का है। अगर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो ये कैश क्रेडिट की कैटेगरी में आ जाएगा और इसके ऊपर आपको 84% का टैक्स देना पड़ेगा। चलिए साहब, सेक्शन 69 आती है अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। किसी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी असेसी के घर पे विजिट कर लेता है और वहां पे उसको बुलियन, ज्वेलरी, कैश, पासबुक और ऐसी चीजें मिल जाती हैं, शेयर्स, जिसको वो असेसी एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तब उस केस में भी 84% का टैक्स देना पड़ेगा। आप सोच लीजिए, 100 रुपए आपके घर में मिले और 84 रुपए आपने टैक्स दे दिया, तो आपको बहुत सावधानी बरतनी है। चलिए साहब, नेक्स्ट है सेक्शन 115 बीबीसी, एनोनिमियस डोनेशन। पहले क्या होता था, कोई भी जो इंस्टीट्यूशंस होते थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते थे, वो कैश में किसी से भी डोनेशन ले लिया करते थे, लेकिन अब नहीं है ऐसा। अब कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन है वो मैक्सिमम 1,00,000 रुपए या टोटल जितनी उनकी प्राप्ति है उसका 5% विच एवर इज लोअर ही वो कैश की डोनेशन ले सकते हैं, एनोनिमियस डोनेशन, जिसका कोई उनके पास हिसाब रखने की जरूरत नहीं है। अगर उससे ज्यादा उन्होंने लिया तो उनको 30% का टैक्स देना पड़ेगा उस डोनेशन के ऊपर। लेकिन इसके अंदर गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन दिया है कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे टेम्पल है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, इन लोगों के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। अगला आते हैं, बहुत पुरानी एक सेक्शन है, सेक्शन 269 SS, मोर फॉर टेकिंग और एक्सेप्टिंग सर्टेन लोन्स एंड डिपॉजिट। हमें बहुत पहले से पता है कि हम 20,000 रुपए या उससे अधिक कैश में कोई लोन ले नहीं सकते, लेकिन अब इन्होंने क्या इसमें किया है कि अगर आपने वो लिया है तो इक्विवेलेंट पेनल्टी का प्रोविजन कर दिया है। यानी कि अगर आपने कैश में 20,000 या उससे ज्यादा का लोन किसी से ले लिया तो आपको उसके बराबर की पेनल्टी लगेगी सेक्शन 271D के तहत। तो इसमें बहुत ज्यादा हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। और इसके अंदर इन्होंने क्या किया कि जो कई लोग, क्या होता है कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कैश दिखा दिया करते थे कि मुझे जो कैश मिला है ये प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मिला है, एडवांस है, वो भी सब इसके अंदर ही कवर हो जाएगा। और इसलिए हमें इसके ऊपर सावधानी बरतनी है कि हम किसी से 20,000 या उससे ज्यादा एक आदमी के नाम का अपनी बुक्स में कैश जमा ना करें। चलिए, एक नई सेक्शन इन्होंने इंट्रोड्यूस की है सन 2017 के फाइनेंस बिल में, सेक्शन 269ST। ये क्या कहती है कि कोई भी पर्सन 2,00,000 या उससे अधिक कैश प्राप्त नहीं कर सकता। यहां बात कर रहा है रिसीवर की। किन लोगों से? इन एग्रीगेट फॉर्म में पर्सन इन ए डे, यानी कि एक आदमी से एक दिन में टोटल एग्रीगेट के रूप में, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट वो दे देगा। सेकंड, इन रेस्पेक्ट ऑफ ए सिंगल ट्रांजेक्शन, यानी कि वो ट्रांजेक्शन भी एक सिंगल होनी चाहिए। और तीसरा, इन रेस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू वन इवेंट और ओकेजन फ्रॉम ए पर्सन, यानी कि कोई एक सिंगल इवेंट, जैसे हम कहीं शादी करते हैं और अब हमारे सबके यहां पे शादियां होती हैं, शादी करने में आपने टेंट वाले को भी बुक कर लिया, फूल वाले को भी बुक कर लिया, खाने वाले को भी बुक कर लिया और घोड़ी वाले को भी कर लिया, तो सारा का सारा एक ही एग्रीगेट, क्योंकि इवेंट एक है, तो एग्रीगेट में आप टोटल जो पेमेंट करेंगे वो 2,00,000 रुपए से कम रखिएगा, अदरवाइज आपको इक्विवेलेंट इसमें भी पेनल्टी देनी पड़ जाएगी। तो ये नई सेक्शन आई है 269ST, तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमें कोई भी खर्चा 2,00,000 रुपए से ज्यादा, यानी कि 2,00,000 या उससे ज्यादा नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारी सेक्शन है 269T, यानी कि पहले मैंने कहा था कि हम 20,000 रुपए या उससे ज्यादा कैश लोन नहीं ले सकते हैं। ये सेक्शन कहती है कि हम, कि कोई अगर हमारे पास पुराना लोन किसी का खड़ा है
तो हम उसकी रीपेमेंट नहीं कर सकते 20,000 या उससे ज्यादा कैश में। तो हमें यह सावधानी बरतनी है कि हमें कैश की पेमेंट अगर किसी की करनी है तो एक दिन में मैक्सिमम 19,999 रुपए हम दे सकते हैं। 20,000 या उससे अधिक देने पे यह हमें इनकम टैक्स एक्ट इक्विवेलेंट पेनल्टी लगाएगा सेक्शन 271D के तहत। तो इसलिए हमें इसमें सावधानी बरतनी है। एक नई सेक्शन और इन्होंने इंसर्ट की है फाइनेंस एक्ट 2017 में कि कोई भी अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि वो 2000 रुपए से ज्यादा कैश में डोनेशन नहीं ले सकता सेक्शन 80G के तहत, तो अब चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि अगर उसने उससे ज्यादा जितना भी लिया है उस सब के ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा, ये टैक्स से फ्री नहीं होगा। और एक इन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2017 के ही फाइनेंस एक्ट में एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन दिया है आम आदमी के लिए, वो क्या है सेक्शन 44AD क्या कहती थी कि जहां पे आपकी सेल जो है कैश में है और चेक से भी है तो पहले वो प्रेजम्प्टिव इनकम मानते थे और उसमें आपको 8% का टैक्स देना होता था, लेकिन गवर्नमेंट ने कैश को कम से कम यूटिलाइज करने के लिए ये एक बेनिफिट दिया है कि अगर आपकी जो ट्रांजेक्शन है नॉन कैश में होंगी तो फिर आपकी जो प्रेजम्प्टिव इनकम है वो 8% की जगह 6% ली जाएगी। तो आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप कम से कम कैश में ट्रांजेक्शन करें ताकि आपको टैक्सेशन का भी बेनिफिट मिल जाएगा। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने अब नया प्रोविजन अभी इसी साल 2017 में क्या लाए कि अगर आप बैंक से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश विड्रॉ करेंगे तो आपको 2% TDS काटेगा बैंक। तो आपको यह भी सावधानी बरतनी है कि आप बैंक से जो कैश विड्रॉ करें व्यापारी होने के नाते अगर आप निकालते हैं, अभी इन्होंने पीछे एक नई अमेंडमेंट लाई है कि जो कृषि से रिलेटेड मंडी समितियां हैं उनको तो छूट दे दी है 1 करोड़ से ज्यादा में, लेकिन आम आदमी के लिए अगर आप अपने बैंक से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश विड्रॉ करेंगे तो आपका 2% TDS काट लेगा, यानी कि 1 करोड़ की जगह आपको 98 लाख रुपए मिलेंगे और 2 लाख रुपए का आपको एक सर्टिफिकेट देगा बैंक वाला कि आपका ये हमने TDS काट लिया है। तो दोस्तों मैं समझता हूं ये जो कैश की ट्रांजेक्शन्स हैं ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहेंगी और हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने इतना हमारे साथ टाइम निकाला और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।